छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो रुझान 90 सीटों का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर भी। छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर भाजपा आगे है और कांग्रेस पार्टी 54 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। अन्य को 6 सीटें मिली है, यानी कि कुल मिला के छत्तीसगढ़ में जहाँ एग्जिट पोल कांग्रेस को बताते हुए नजर आ रहे थे, वहीं कांग्रेस 54 सीटों के साथ है। माफ कीजिएगा, भाजपा जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में आगे बताया जा रहा था, लेकिन जो शुरुआती रुझान आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 54 सीटों के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर भी आगे है। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 230 विधानसभाएं टोटल हैं, 230 में से 221 के रुझान यहाँ पर आ चुके हैं और 221 के रुझानों के अंदर 103 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस 110 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य को यहाँ पर भी 8 सीटें मिली है। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाएं हैं जिसमें से 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुए हैं और उसमें 180 का रुझान यहाँ पर आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को 91 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें हैं और अन्य को 12 सीटें यहाँ पर मिल चुकी हैं। इसके साथ ही आपको अपडेट हम देते हैं कि पुष्कर से सुरेश सिंह रावत इस वक्त आगे चल रहे हैं। जो हमारे पास इस वक्त अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक सुरेश रावत आगे चल रहे हैं। सुरेश रावत पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से नसीम अख्तर जो हैं कांग्रेस की प्रत्याशी, उनसे उनका मुकाबला हुआ है। पारस जैन ब्यावर से जो पारस जैन है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है कि केकड़ी से और ब्यावर से अजमेर उत्तर और दक्षिण इन सीटों से कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। नसीराबाद के परिणाम आपसे कुछ देर में हमारे सामने आएंगे, हम उसकी भी आपको डिटेल देंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने रुझान आ रहे हैं गुलाबचंद कटारिया के लिए बुरी खबर है कि गुलाबचंद कटारिया उदयपुर शहर से पीछे चल रहे हैं। राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं रहे हैं मतलब गुलाबचंद कटारिया, वसुंधरा राजे इस वक्त आगे हैं। ये बड़ी जो टॉप कैंडिडेट्स राजस्थान के हैं वो उसमें जो गुलाबचंद कटारिया हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और सीटों की यदि हम बात करें आपको बताएं अगर तो परिणामों की स्थिति 8 से 8.5 के जो रुझान आए उनको देखकर ये लगता है कि इस बार राजस्थान के अंदर जो सरकारी कर्मचारी का तबका था उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। राजस्थान के अंदर 185 सीटों के ऊपर अभी तक रुझान आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को 98 सीटें इस वक्त रुझानों के अंदर मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिलती भी नजर आ रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें कुल जो बाकी के जो 4 राज्य हैं उनके भी हम आंकड़े आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो बीजेपी 93 सीटें, कांग्रेस पार्टी 88 सीटें, यानी कि पहले कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आगे चल रही थी लेकिन वापस से अब कांग्रेस पार्टी वहां पर पीछे हो गई है, भारतीय जनता पार्टी आगे है 93 सीटों के साथ। अन्य को 13 मिली है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो बीजेपी 22 सीटों के साथ आगे चल रही है इस वक्त और कांग्रेस पार्टी 57 सीटों के साथ इस वक्त आगे चल रही है। तेलंगाना की यदि हम बात करें तो टीआरएस 83 सीटों के साथ में आगे इस वक्त चल रहा है और कांग्रेस पार्टी को वहां पे 14 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 10 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम के अंदर एमएनएफ 21 सीटों के साथ, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों के साथ और अन्य के खाते में यहाँ पर सिर्फ 6 सीटें दिखाई हमें दे रही है। और यदि हम बात करें आपको बताएं तो बीजेपी प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। जो नतीजे इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं लालचंद कटारिया आगे चल रहे हैं, झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ा है और लालचंद कटारिया आगे चल रहे हैं 1074 वोटों से आगे चल रहे हैं लालचंद कटारिया इस वक्त। चंद्रकांता मेघवाल भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है वो आगे चल रही हैं। अशोक लाहोटी जयपुर के जो मेयर रहे हैं वो आगे चल रहे हैं, सांगानेर से चुनाव लड़ा है अशोक लाहोटी ने। चाकसू से कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी 97 सीटों के साथ राजस्थान में इस वक्त अपनी जगह बनाई हुई है और बीजेपी 66 सीटों के साथ चल रही है। अन्यों के खातों में जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं 24 सीटें आ रहे हैं। एक आकलन था प्रदेश प्रदेश के अंदर पत्रकारों का भी और उसके साथ ही
तमाम जो एग्जिट पोल आए थे उनका ये आकलन था कि 15 लगभग सीट आ जाएंगी। सचिन पायलट टोंक से आगे चल रहे हैं इस वक्त, बहरोड से रामचंद्र यादव हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। और दूसरे राउंड में प्रताप सिंह खाचरियावास को 65 से 6,500 वोटों से बढ़त मिलती हुई इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी मुझे लगातार तमाम अपडेट दे रहे हैं और उन अपडेटों के साथ हम लगातार जुड़ रहे हैं। अशोक परनामी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास रहे अशोक परनामी के लिए ये बुरी खबर है कि इस वक्त अशोक परनामी पीछे चल रहे हैं। सांगानेर से भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, चाकसू से कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी जो हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, और रुझानों के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो बढ़त मिल रही है उससे कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है और जश्न की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। सचिन पायलट के घर के बाहर कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त। अशोक गहलोत काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, हेमंत भाटी आगे चल रहे हैं इस वक्त, सीपी जोशी भी आगे चल रहे हैं इस वक्त। ये तमाम वो सीटें हैं जहां कद्दावर नेता इस वक्त मौजूद हैं, कद्दावर सीटों के ऊपर निगाह हमारी बनी हुई है और रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 97 सीटों के साथ रुझानों के अंदर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें मिलती हुई रुझानों के अंदर इस बार दिखाई दे रही है। शाहपुरा के अंदर तकनीकी खामी आई है जो अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। सीकर से कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र पारिक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और परिणामों की यदि हम बात करें तो बेहद चौंकाने वाले जो परिणाम इसके अंदर अगर हम बात करें तो अभी तक रुझानों के अंदर अन्य के खाते में जो 24 सीटें नजर आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली सीटें हैं, क्योंकि एक आकलन ये था कि 15 से आगे कोई भी यहाँ से अन्य का जो प्रत्याशी है वो आगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन इस वक्त 24 सीटें रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर 199 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ था, आपको बता दें 200 विधानसभाएं टोटल राजस्थान के अंदर है। दूसरे राउंड के अंदर 6,500 वोटों से प्रताप सिंह खाचरियावास इस वक्त भी आगे चल रहे हैं, लालचंद कटारिया आगे चल रहे हैं, जोटवाड़ा से लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ा था। राजेंद्र सिंह विदुड़ी भी इस वक्त आगे चल रहे हैं, और झालरा पाटन की स्थिति में अगर आप बताएं तो वसुंधरा राजे इस वक्त आगे चल रही है, यहाँ पर टक्कर हुई थी और मानविंदर सिंह ने लड़ा था। एक और अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जो है, 99 सीटों के साथ बढ़त बनाई है कांग्रेस पार्टी ने और 68 सीटें बीजेपी को मिलती हुई रुझानों में बताई जा रही है। इस वक्त जो ताजा अपडेट हमारे सामने आ रहा है उसके मुताबिक मालवीय नगर की जो सीट थी, कालीचरण सर्राफ वहां से चुनाव लड़े और कालीचरण सर्राफ इस वक्त पीछे चल रहे हैं, ऐसी अपडेट आ रही है। और प्रताप सिंह खाचरियावास की बिल्कुल ताज़ा जानकारी आ रही है कि 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। अजमेर उत्तर और दक्षिण की सीट की यदि हम बात करें तो दोनों प्रत्याशी हेमंत पार्टी आगे चल रहे हैं। मेरे सहयोगी ने मुझे लेटेस्ट अपडेट इस वक्त दी है, रामलाल जाट हैं मांडल से कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। मुंडावर से बीएसपी के उम्मीदवार हैं ललित चौधरी, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, बसपा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और 97 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी इस वक्त 99 सीटें रुझानों में जो इस वक्त आ रही है, 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल हैं सुजानगढ़ से कांग्रेस पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के रामहेत सिंह यादव किशनगढ़ बास से हैं, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। रघु शर्मा की यदि हम बात करें किकड़ी से तो रघु शर्मा शुरुआत से ही आगे चल रहे हैं, जब से बैलेट पेपर खुले हैं तब से ही आगे चल रहे हैं। पिलानी में दूसरे राउंड में भी कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। यूनुस खान और पायलट में बहुत अंतर है, दोनों में कड़ी टक्कर इस वक्त देखी जा रही है। मुंडावर से बीएसपी के उम्मीदवार ललित चौधरी हैं, वो इस वक्त आगे हमें दिखाई दे रहे हैं चलते हुए। मालवीय नगर से अर्चना शर्मा कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर अर्चना शर्मा है वो बहुत आगे चल रही हैं इस वक्त। गोविंद सिंह से डोटासरा हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं। और
मध्य प्रदेश की स्थिति की यदि हम बात करें तो 230 सीटों में से 226 के ऊपर रुझान आ चुका है, और रुझानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें, कांग्रेस को 109 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें नजर आ रही हैं। राजस्थान के अंदर स्थिति हमने बता दी आपको कि 99 सीटें, अन्य के खाते में 18 सीटें और बीएसपी को 6 सीटें यहाँ पर बताई जा रही है इस वक्त, यानी कि 25 से 26 सीटें रुझानों के अंदर अन्य के खाते में हमें दिखाई दे रही है, और उसके साथ में कांग्रेस पार्टी के खाते में 99 सीटें यहाँ पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो 66 सीट यहाँ पर, 68 सीट माफ कीजिए, 68 सीट हमें नजर आ रही है कि बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। गिरिजा व्यास कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रही है, राजेंद्र राठौड़ बीजेपी चूरू से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। उसके साथ राजेंद्र सिंह विदुड़ी की यदि हम बात करें, कांग्रेस पार्टी बेंगू से इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। यूनिस खान के और सचिन पायलट की दोनों की बराबर टक्कर चल रही है, लेकिन टोंक से सचिन पायलट इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। वसुंधरा राजे, इस वक्त की ताजा खबर, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी आगे चल रहे हैं। ये बिल्कुल ताजा अपडेट है कि अजमेर उत्तर की जो सीट है वहां से वासुदेव देवनानी आगे चल रहे हैं। वासुदेव देवनानी शुरुआती रुझानों के अंदर महेंद्र सिंह रलापता से पीछे नजर आ रहे थे। हमारा खास फोकस जो है, हम आपको जो ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देंगे अजमेर संभाग की हम देने वाले हैं, क्योंकि अजमेर संभाग को हमने बहुत करीब से कवर किया था। तो अजमेर उत्तर की ये ताजा अपडेट है कि वासुदेव देवनानी इस वक्त महेंद्र सिंह रलापता को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर कांग्रेस पार्टी अजमेर उत्तर की सीट से आगे आई थी, लेकिन वासुदेव देवनानी अब रुझानों में आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभुलाल सैनी हैं, प्रभुलाल सैनी ने भी बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके साथ ही सिविल लाइन से अरुण चतुर्वेदी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो इस वक्त सुरेंद्र गोयल निर्दलीय उम्मीदवार जैतारण से वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। इसके साथ ही श्रीचंद कृपलानी निम्बाड़े से चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से, वो बढ़त बनाए हुए हैं। गुरदीप सिंह शापिणी हैं संगरिया बीजेपी से, वो इस वक्त आगे हैं। बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ बीजेपी से, वो इस वक्त आगे हैं। आहोर से सवाराम पटेल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। रमेश चंद मीणा सपोटरा कांग्रेस से, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। कोटा उत्तर की यदि हम बात करें तो शांति धारीवाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, और शांति धारीवाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। नतीजे थोड़ा धीमी गति से जरूर आ रहे हैं, लेकिन परिणामों के अंदर उठापटक लगातार जारी है। नेताओं की धड़कनें लगातार बढ़ रही होंगी कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में रहने वाला है, क्योंकि शुरुआती रुझानों के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आई थी, लेकिन अब जो परिणाम आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे करते हुए आ रहे हैं। लेकिन रघु शर्मा को अभी तक कोई भी पीछे नहीं कर पाया है। खेकड़ी की सीट से चुनाव लड़ाया है रघु शर्मा ने, और रघु शर्मा अजमेर के सांसद भी हैं, और सांसद रहते हुए उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तैयारी ये थी कि अपने बेटे को टिकट दिलाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बेटे की जगह रघु शर्मा को ही टिकट दिया, और रघु शर्मा यहाँ से दोबारा विधायक बनकर चुन के जाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। व्यास कांग्रेस पार्टी की ओर से, और कांग्रेस को बहुमत 100 सीटें, जो 100 का आंकड़ा है वो कांग्रेस पार्टी को बहुमत में मिल चुका है। अन्य के सीटों के अंदर अन्य के पास 21, भारतीय जनता पार्टी के पास 69 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छूने से एक मत की दूरी है, और 100 मत मिल चुके हैं, यानी कि रुझानों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान में मिल गया है। ये रुझान है, इन रुझानों को नतीजे ना समझे, हम आपको फिर ये दोहराना चाहते हैं। ये रुझान है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 100 सीटें, 101 सीटें मिल चुकी हैं रुझानों में। बीजेपी को 68 सीटें हैं, और अन्य के खाते में 22 सीटें लगभग मिलती हुई हमें नजर आ रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद से
किरण माहेश्वरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार इस वक्त आगे चल रही है और कांग्रेस के लिए खुशखबरी है कि 101 सीटों का जो आंकड़ा है रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने छू लिया है, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का जो आंकड़ा था वो छू लिया है। ये विधानसभा राजस्थान विधानसभा चुनाव की बिल्कुल ताज़ा अपडेट हमने आपको इस वक्त दी है। उदयपुर से गिरजा व्यास हैं, वो इस वक्त आगे चल रही हैं। राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव लड़ा है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। अशोक बैरवा खंडार से, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और एग्जिट पोल में जो दावे किए गए थे, अभी तक एग्जिट पोल के मुताबिक पूरी गणित चलती हुई नज़र आ रही है प्रदेश की। ताज़ा जानकारी और हम आपको देते हैं कि किस सीट से कौन उम्मीदवार आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नज़र आई थी, लेकिन अभी जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे पास कुछ ताज़ा आंकड़े और आए हैं पुष्कर के, मैं आपको नतीजे बता देता हूँ। नसीम अख्तर इस वक्त आगे चल रही है पुष्कर की, बिल्कुल ताज़ा पुष्कर विधानसभा जो है वहाँ से ये ताज़ा अपडेट इस वक्त आ रही है मेरे पास कि नसीम अख्तर कांग्रेस, जिनको 3,346 वोट मिल चुके हैं, और वहीं सुरेश रावत हैं, उन्हें 2,368 वोट अभी तक मिले हैं। अजमेर दक्षिण की यदि हम बात करें तो हेमंत भाटी यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अनीता बदेल हेमंत भाटी को पीछे अभी तक नहीं कर पाई हैं, हालांकि उत्तर में जरूर वासुदेव देवनानी महेंद्र सिंह रिलावता को बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर दक्षिण की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के हेमंत भाटी को 4,045 मत इस वक्त मिल चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता बदेल को 3,075 मत मिले हैं, यानी कि 1,000 वोटों का डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। मसूदा की सीट की यदि हम बात करें तो राकेश पारिक इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की सुशील कंवर पलाड़ा ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन 3,000 से भी ज्यादा मतों से इस वक्त राकेश पारिक आगे चल रहे हैं मसूदा विधानसभा सीट से। राकेश पारिक का जो इस वक्त जो मत मिले हैं राकेश पारिक को, वो 13,837 मत मिल चुके हैं राकेश पारिक को। सुशील कुमार पलाड़ा जो है उन्हें 10,192 मत मिले हैं। केकड़ी में यदि हम बात करें तो रघु शर्मा लगातार शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं, और ये आंकड़ा 4,000 मतों से आगे पहुंच चुका है। रघु शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं 13,438 मत इस वक्त रघु शर्मा को मिल चुके हैं। राजेंद्र विनायका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केकड़ी से रघु शर्मा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें 9,419 मत मिले हैं। किशनगढ़ की सीट की यदि हम बात करें तो भाजपा और निर्दलीय में टक्कर, कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि सुरेश टांक इस वक्त पीछे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सुरेश टांक भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन 6 साल के लिए अब उनको निष्कासित कर दिया गया निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से। विकास चौधरी भारतीय जनता पार्टी के किशनगढ़ से जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उन्हें 6,766 वोट इस वक्त मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश टांक को वहीं 6,406, निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी दोनों में किशनगढ़ विधानसभा सीट के ऊपर टक्कर बनी हुई है। अजमेर उत्तर की सीट यदि हम बात करें तो वासुदेव देवनानी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बढ़त का जो आंकड़ा है वो बेहद कम है। टक्कर कड़ी है अजमेर उत्तर की सीट पर, अजमेर उत्तर की सीट को हाई प्रोफाइल सीट बताया गया था। वासुदेव देवनानी 8,274 मतों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, और महेंद्र सिंह रलावता को इस वक्त 8,066 मत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको फिर बता दें कि पुष्कर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नसीम अख्तर आगे चल रही हैं, अजमेर दक्षिण से कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस के हेमंत भाटी वहां से हैं, मसूदा से भी कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, केकड़ी से रघु शर्मा कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। किशनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी है कि किशनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन टक्कर बराबर की है, और वो भी निर्दलीय उम्मीदवार से है। निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश टांग भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं, जिन्हें निष्कासित कर दिया है। अजमेर उत्तर की सीट पर बात करें तो यहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन उसके अंदर मत जो है ज्यादा नहीं है। और कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं मध्य प्रदेश की, मैं सीटों पर आपको बता दूं, क्योंकि वहां पर रुझान 230 सीटें जो हैं उन पर आ चुके हैं, और 230 सीटों का रुझान मैं आपको इस वक्त दे देता हूं कि 230 सीटों के ऊपर बीजेपी को 109 सीटें रुझानों के अंदर मिली है, कांग्रेस पार्टी को 110 सीटें मिली है, अन्य के खाते में 11 सीटें इस वक्त नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटों के रुझान आ चुके हैं, और
रुझानों के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस में केवल एक सीट का अंतर है, यानी कि अन्य के वो जो 11 है, तो मध्य प्रदेश के अंदर गणित बिगड़ती हुई आ रही है। ये ताज़ा अपडेट हमारे पास एक और आ रही है, अजमेर से जुड़ी हुई ही अपडेट है। अजमेर उत्तर से बढ़त बनाए हुए हैं वासुदेव नानी लगातार इस वक्त, यानी कि अब जो बूथ जिन बूथों की पेटियां खुल रही है वहां से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़ा अब अजमेर उत्तर की सीट पर वासुदेव देवनानी को 11,269 वोट मिल चुके हैं। कांग्रेस के महेंद्र अलावता हैं, 10,643 मत मिले हैं उनको। मसूदा से राकेश पारिक, मतलब पेटियां खुल रही हैं बूथों की और राकेश पारिक बम्पर वोट लेते जा रहे हैं। राकेश पारिक अब आंकड़े पे पहुंच चुके हैं 17,397 सीटों मतों के साथ आगे हैं, और भाजपा की जो प्रत्याशी हैं सुशील कंवर पलाड़ा, उन्हें 11,999 यानी कि 12,000 में एक कम, सीधा सीधा अंतर 6,000 मतों का यहां पर नजर आ रहा है। नसीराबाद का आंकड़ा आया है, नसीराबाद से रामस्वरूप लांबा इस वक्त आगे चल रहे हैं और रामस्वरूप लांबा को 8,985 मत मिल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं रामनारायण गुजर यहां से विधायक भी हैं, उन्हें 5,116 वोट इस वक्त मिले हैं। और ये ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी अजमेर उत्तर और नसीराबाद और किशनगढ़, इन तीन सीटों पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। रघु शर्मा हालांकि बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन मसूदा के अंदर जो टक्कर है वो बहुत कड़ी टक्कर इस वक्त नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तेलंगाना की यदि हम बात करें तो TRS को स्पष्ट बहुमत रुझानों के आधार पर मिल चुका है। मिजोरम के रुझान की यदि हम बात करें तो MNF को वहां पर रुझानों के आधार पर बहुमत मिल चुका है, और राजस्थान MP के अंदर VIP सीटों का रुझान आ रखा है। यहां कुछ नहीं कह सकते, यहां की गणित ऊपर नीचे अभी इस वक्त हो रही है, लेकिन सचिन पायलट और वसुंधरा राजे दोनों ही, अशोक गहलोत, तीनों ही जो कद्दावर नेता हैं प्रदेश के, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 100 का जो आंकड़ा है वो रुझानों के मुताबिक छू लिया है और उसके अकॉर्डिंग बहुमत तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अन्य की जो सीटें हैं वो इस वक्त हमें स्क्रीन पर 23 नजर आ रही हैं और लगातार कड़ी टक्कर जारी है। अजमेर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के वासुदेव देवनानी इस वक्त आगे चल रहे हैं। अजमेर की सीटें यदि हम बात करें तो BJP को 8 विधानसभा टोटल अजमेर के अंदर लगती हैं, जिसमें BJP के खाते में 2 हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। कालीचरण सराफ जो पीछे चल रहे थे वो इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कालीचरण सराफ, शांति धारीवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कोटा उत्तर से, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसी के साथ पाली की यदि हम बात, रामेश्वर डूडी नोखा से वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। किशनगढ़ बाद से अपडेट आ रही है, भाजपा के उम्मीदवार 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अलवर शहर से संजय शर्मा ने चुनाव लड़ा था और संजय शर्मा 2,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। सुभाष पुनिया सूरजगढ़ से चुनाव लड़ा है और वहां से BJP के प्रत्याशी रहे हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। हेमंत बाटी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रही हैं। अनीता बदेल महिला एवं बाल विकास मंत्री रही हैं, लेकिन अभी तक के जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, जो मतपेटियां खुल रही हैं उनके मुताबिक इस वक्त आगे चलती हुई हमें नजर आ रही हैं। हेमंत भाटी को पीछे नहीं कर पाए, लेकिन शुरुआती रुझानों में महेंद्र सिंह रलावता जो अजमेर उत्तर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे वो शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे थे, लेकिन अब वासुदेव देवनानी ने उन्हें बीट कर दिया है और वासुदेव देवनानी बीट करने के साथ ही बढ़ चुके हैं। मेरे से यही कहूँगा, कुछ और आंकड़े आए तो मुझे ज़रूर दें जिससे हम अपने दर्शकों को उन आंकड़ों को दे पाएँ। राजाखेड़ा से कांग्रेस के रोहित वोरा हैं, 4,800 मतों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। उसी के साथ धन सिंह रावत निर्दलीय उम्मीदवार हैं प्रतापगढ़ से, वो आगे चल रहे हैं। प्रभुलाल सैनी वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ताज़ा जो अपडेट्स इस वक्त हमारे पास आती जा रही है वो हम आपको देते जा रहे हैं। रामेश्वर डूडी करीब 7,000 वोटों से पीछे चल गए हैं, यानी कि रामेश्वर डूडी के लिए
ये बेहद चिंता की बात है कि रामेश्वर डूडी 7,000 वोटों से इस वक्त भी चल रहे हैं। मेवाराम जैन हैं कांग्रेस पार्टी के बाड़मेर से उम्मीदवार, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन रामेश्वर डूडी जिन पर सबकी निगाह बनी हुई थी, और जब टिकटों का वितरण हुआ था तो सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी की नोकझोंक भी हुई थी, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वक्त रामेश्वर डूडी 7,000 वोटों से नोका सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था रामेश्वर डूडी ने, और वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जो ताज़ा अपडेट इस वक्त हमारे पास में आ रही है, रामस्वरूप लांबा भारतीय जनता पार्टी के नसीराबाद से जो उम्मीदवार हैं, और राजस्थान के कद्दावर नेता जो स्वर्गीय सवनलाल जाट हैं, अजमेर से सांसद भी रहे हैं, उनके पुत्र हैं, 8,985 मतों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। नोखा की 13 नंबर टेबल जो है वहाँ पर ईवीएम खराब की शिकायत इस वक्त की गई है, और अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी आगे चल रहे हैं, महेंद्र सिंह रावत पीछे हो गए हैं, लेकिन अजमेर दक्षिण की यदि हम बात करें तो हेमंत भाटी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, अनीता बदेल बहुत पीछे इस वक्त हमें नज़र आ रही है। वल्लभ नगर से कांग्रेस गजेंद्र सिंह शक्तावत हैं, वो 700 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। गोगुन सीट से बीजेपी के प्रताप गमेती हैं, वो आगे चल रहे हैं। 84 से बीटीपी के राजकुमार 1,440 मतों से आगे चल रहे हैं। उदयपुर ग्रामीण फूल सिंह मीणा 1,800 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। प्रकाश चौधरी बड़ी सादड़ी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। अर्जुन लाल जीनगर कपासन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ पुष्पेंद्र सिंह राणावत बाली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। अलवर ग्रामीण से कांग्रेस के टीकाराम जूली आगे चल रहे हैं इस वक्त, अलवर की जो नतीजाएं हैं, और दूसरे राउंड अलवर में खुल चुके हैं, 7,338 मतों के साथ में आगे चल रहे हैं। मुंडावर से बसपा के ललित यादव 75 मतों से आगे चल रहे हैं। किशनगढ़ बाद से भाजपा के रामहित यादव 4,000 मतों से आगे चल रहे हैं। कैलाचंद मेघवाल पिलानी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। अलवर शहर से संजय शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेटेस्ट ताज़ा अपडेट इस वक्त हमारे सामने आया है, किशनगढ़ में भाजपा बागी सुरेश टांक ने बढ़त बना ली है। ये ताज़ा जानकारी है, किशनगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा से बागी हुए सुरेश टांक, जिनका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर है, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, वो इस वक्त भाजपा के प्रत्याशी विकास चौधरी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़त बना ली है। शुरुआत में 300 वोटों का कुछ अंतर था और सुरेश टांक विकास चौधरी से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब सुरेश टांक ने बढ़त बना ली है और सुरेश टांक अब बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे निकल चुके हैं। सुरेश टांक मार्बल एसोसिएशन, का मार्बल एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और सुरेश टांक के लिए एक बात कही जाती है किशनगढ़ के अंदर कि किशनगढ़ से जब भी कोई मार्बल का व्यवसायी उड़ान भरता है, यानी कि फ्लाइट में यात्रा करता है, ट्रैवल करता है, तो उसे 1,000 रुपये का कैशबैक सुरेश टांक की ओर से दिया जाता है, मार्बल एसोसिएशन की ओर से दिया जाता है। सुरेश टांक से जब इस बारे में हमने बातचीत करी थी चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, तो उनका कहना था कि किशनगढ़ जो हवाई अड्डा है, किशनगढ़ एयरपोर्ट है, उसे बढ़ाने के लिए, यहाँ पे आवागमन बढ़ाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी को इस वक्त 105 सीटें रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 80 के आंकड़े पे पहुंच चुकी है, यानी कि एग्जिट पोल में जो दिखाया गया था रुझानों के अकॉर्डिंग, उस आंकड़े पर अभी तक पहुंच चुकी है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल। 105 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने छुआ है और बीजेपी ने 80 सीटें रुझानों के अंदर आ गई है। कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल चुका है और कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, जश्न की तैयारी है। टोंक की बात यदि हम करें तो वहां भी जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है, और जो नाथद्वारा से सीपी जोशी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आए हुए हैं। दक्षिण से बीजेपी के संदीप शर्मा 975 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। कोटा उत्तर से बीजेपी के प्रहलाद गुंजल 262 मतों के साथ आगे हैं।
बीजेपी के हीरालाल नागर सांगोद सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, ये लगभग 600 सीटों से हैं। पीपला जो है, माफ़ कीजिए, झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए, सूरजगढ़ से भाजपा के सुभाष पूनिया 514 वोटों से आगे चल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ चुरू से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी में रुझानों के अकॉर्डिंग, रुझानों में जो बहुमत हासिल किया है उसके मुताबिक जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। अशोक गहलोत सरदारपुरा से आगे नजर आ रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, ये तीनों ही कद्दावर नेता इन्हें अभी तक पीछे नहीं कर पाए। सीपी जोशी भी हालांकि उसमें शामिल है, सीपी जोशी भी अभी तक पीछे नहीं हुए, लेकिन मानविंदर सिंह जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने उतारा था वसुंधरा राजे के सामने, वो पीछे इस वक्त चल रहे हैं। और कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल इस वक्त है। कांग्रेस पार्टी को 105 रुझानों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 105 सीटें, बीकानेर पश्चिम से भाजपा आगे चल रही है, नौका से भाजपा के बिहारी विश्नोई 7404 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अर्चना शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं, मालवीयनगर सीट से लड़ा है उन्होंने चुनाव। इसके साथ ही समाराम गरासिया हैं आबू से, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। खजुवाला से गोविंद नेगवाल 1500 मतों से आगे चल रहे हैं। उसके साथ यूनिस खान जो हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। सचिन पायलट बढ़त बनाए हुए हैं, अशोक गहलोत बढ़त बनाए हुए हैं। गुलाबचंद कटारिया के लिए ये एक बुरी खबर है कि गुलाबचंद कटारिया बहुत पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस से केकड़ी विधानसभा से रघु शर्मा हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। जो ताज़ा जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है, और राजेंद्र सिंह विधूड़ी हैं बेंगू से, वो पीछे नजर आ रहे हैं। अलवर शहर से संजय शर्मा 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और थाना गाजी से हिम सिंह बढ़ाना है 100 वोटों के साथ में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 105 सीटें रुझानों में मिल गई हैं और रुझानों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। रामस्वरूप लांबा नसीराबाद से आगे चलते नजर आ रहे हैं। पिछवाड़ा आबू से, जो पिंडवाड़ा है माफ कीजिए, पिंडवाड़ा आबू से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। सिरोही से सईम लूडा 1870 मतों से आगे चल रहे हैं। जाहिदा खान कामा से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं जाहिदा खान, वो इस वक्त आगे है। बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो इस वक्त आगे चल रही है। और राजस्थान के जो रुझान इस वक्त आए हैं वो बिल्कुल एग्जिट पोल के मुताबिक आए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये दावा रहा कि एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास ना किया जाए, लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 105 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। मुरली लाल हैं, मुरली लाल को 4000 से ज़्यादा मत मिल चुके हैं। 200 विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने मुरली लाल को प्रत्याशी अपना बनाया है। वासुदेव देवनानी के लिए खुशखबरी है कि इस वक्त वो बढ़त बनाए हुए हैं और आगे चल रहे हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से टक्कर बराबर महेंद्र सिंह ने लापता नदी, और अजमेर उत्तर की सीट के लिए कहा जाता है कि ये सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी और यहाँ सिंधी बनाम गैर सिंधी की लड़ाई देखी जा रही थी। हालांकि उस लड़ाई को कितना बुना पाई अब से कुछ देर के अंदर क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितना फायदा हुआ। बीजेपी 80 सीटों पर आ रही है और 80 सीटों पर इंतज़ार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 105 सीटों पर इस वक्त पहुंच चुकी है। कांग्रेस सत्ता के नज़दीक है रुझानों के मुताबिक। हालांकि हम आपको बता दें, ये जो अभी तक जो परिणाम इस वक्त आ रहे हैं ये रुझान हैं, इन्हें अंतिम परिणाम ना समझा जाए, क्योंकि कई बार गलती हो जाती है और सबको ये लगने लगता है कि ये परिणाम आ गए हैं, लेकिन ये परिणाम नहीं है, ये रुझान है, इसको रुझान ही समझा जाए। रुझानों के अंदर कांग्रेस पार्टी इस वक्त आगे नजर आ रही है। गणेश गोगरा है डूंगरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी, वो इस वक्त आगे हैं। फूल सिंह मीणा उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी के प्रत्याशी, वो इस वक्त आगे है। उसके साथ ही यदि हम बात करें तो रामनिवास कवारिया परबतसर से हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। किशनगढ़बाद से भाजपा के रामहित यादव 4000 मतों से आगे चल रहे हैं। गोपाल जोशी
बीकानेर पश्चिम से चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। अमीन कागजी किशन पोल से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजगढ़ से भाजपा के विजय मीणा 102 मतों से आगे चल रहे हैं। रफीक खान आदर्श नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। जोगिंदर सिंह अवाना नदबई BHP से, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। उसके साथ ही वाजिब अली नगर BSP के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा था ऐसा कि BSP कुछ भी सीटें नहीं ला पाएंगी, लेकिन 4 सीटों के ऊपर रुझानों के अंदर इस वक्त जो बसपा है बहुजन समाजवादी पार्टी, वो इस वक्त बढ़त बनाई हुई है। जितेंद्र सिंह खेतड़ी कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। धौलपुर से BJP की शोभा रानी कुशवाहा को 4000 के ऊपर मत मिल चुके हैं। बसपा के किशनचंद शर्मा को 2195 वोट मिल चुके हैं। राजस्थान की ये स्थिति हम आपको बताते आ रहे हैं। अजमेर के अंदर जो स्थिति है, BJP 3 के ऊपर बढ़त बना ली है BJP ने, और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाई हुई है। BJP के लिए ये खुशी की बात हो सकती है कि जिन सीटों के ऊपर वो पीछे चल रही थी वहां पर अब वो आगे आ चुकी है। लेकिन मानविंदर सिंह और रामेश्वर डूडी के लिए ये बेहद बुरी खबर है कि दोनों ही कद्दावर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के इस वक्त पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। सचिन पायलट टोंक से आगे चल रहे हैं, सिवाना से RLP के सत्ताराम आगे चल रहे हैं, पचपदरा से कांग्रेस के मदन प्रजापत आगे चल रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास चल रहे हैं, और पायलट टोंक में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं यूनिस खान को भारतीय जनता पार्टी ने सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ाया है। हालांकि यूनिस खान को शुरुआती जो लिस्ट जारी हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन जो आखिरी लिस्ट थी उसमें यूनिस खान को टोंक सचिन पायलट के सामने भेजा गया। और इस बार जो रणनीति पूरी रही भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कितना सफल हुई, अमित शाह की रणनीति चुनाव की, नरेंद्र मोदी की रणनीति या वसुंधरा राजे, इन तीनों की जो रणनीति है वो कितनी सफल हुई, अब से कुछ देर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसा चाहती थी वैसा यहाँ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मानविंदर सिंह को वसुंधरा राजे के सामने इसीलिए उतारा गया था कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो पूरे प्रदेश में दौरा ना कर पाएँ, चुनाव प्रचार प्रसार ना कर पाएँ, इसलिए एक जगह पर CM वसुंधरा राजे को बांधने के लिए मानविंदर सिंह को भेजा गया था। लेकिन मानविंदर सिंह इस वक्त पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल इस वक्त बना हुआ है। गिरजा व्यास उदयपुर से आगे चल रही हैं। पिलानी से दूसरे राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, और उमेद राम बायतू से हैं, RLTP हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। सतीश पूनिया आमेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ देर में हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे वापस जुड़ेंगे कुछ नई अपडेट हमारे पैनल के साथ में, हम आपसे जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि इन सीटों के ऊपर क्या स्थिति रही, चुनाव के दौरान वहाँ पे क्या माहौल था। हालांकि माहौल दिखाने की हमने लगभग तमाम मीडिया हाउसेस ने कोशिश करी कि आपको राजस्थान का चुनावी माहौल दिखाया जाए, और वो कोशिश लगातार जारी भी रही थी। कोलायत से भंवर सिंह भाटी आगे चल रहे हैं, खाजूवाला से गोविंद मेघवाल 1500 मतों से आगे चल रहे हैं। उदयलाल आंजड़ा है निम्बाड़ा से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं। अर्जुनलाल जीनकर कपासन BJP से, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। खैर यहाँ पर हम 10 मिनट के ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद